Assalamualaikum guys and welcome back to the channel. मेरा नाम है जैनुल आबेदीन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में. सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज हैं, एक तो ये वाली है सदर के अंदर और दूसरी ब्रांच जो है रावलपिंडी जीजी रोड पर DHF फेज 2 गेट नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है. व्हाइट कलर की बिल्डिंग है. तो आज की वीडियो के अंदर जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा साइकिल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस में से जिस पर भी आप विजिट करना चाहते हैं ये गाड़ी आपको वहां पर अवेलेबल हो सकती है. आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं जी होंडा सिविक 2021 मॉडल ब्लैक कलर के अंदर. और ये गाड़ी जो है फर्स्ट ओनर कार है, इंतहाई नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर स्क्रैच लेस गाड़ी है. पेंट टचअप्स या स्क्रैचेस तो दूर की बात है, गाड़ी का जो पेंट है बिल्कुल अपनी ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है. माइलेज की अगर हम बात करते चलें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 26,000 किलोमीटर्स के आसपास चली हुई है. और फर्स्ट ओनर कार है जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ. और इसको रजिस्ट्रेशन हुई हुई है इस्लामाबाद की. और आज की वीडियो के अंदर हम एक तो इस गाड़ी की कंडीशन देखेंगे, प्लस आपको इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताया जाएगा. इंटीरियर और एक्सटीरियर हर एक चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे. तो मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, बट उससे पहले मैं इसके तमाम तर दरवाजे ओपन करता हूँ ताकि गाड़ी के अंदर लाइट अच्छे से आ सके और आपको इसके इंटीरियर की तमाम तर कंडीशन की समझ सही तरीके से आ जाए. और एक चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ कि ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये होंडा सिविक का टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है. लेदर सीट्स के साथ सनरूफ वगैरह ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएंगी. और वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी किस्म की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस गाड़ियों से रिलेटेड आपको मिलती रहती हैं. और आइए जी गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसको स्टार्ट भी हम कर लेते हैं. तो की यहाँ पर पड़ी है, फीचर्स की बात करते चलें तो की के ऊपर हमारे पास लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर आपको दिया गया है. दूसरी तरफ हमारे पास होंडा का बैज मौजूद है कुछ इस तरीके से. तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी. रेड मीटर के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है जैसा कि आप देख सकते हैं. इसकी ये जो अंदर कॉम्बिनेशन है ये रेड कलर का है, यानी कि न्यू मीटर के साथ है ये गाड़ी. और 25,832 एग्जैक्ट माइलेज हैं इस वक्त इस गाड़ी के. तो हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं, एक्सटीरियर को हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद हम इस गाड़ी का इंटीरियर भी देखेंगे और आपको सारी चीज़ों के बारे में आगाही दी जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी गाड़ी के फ्रंट से आप लुक देख सकते हैं, ग्रिल, इसका फ्रंट फेस, इसकी लाइट्स बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर हैं. और इसकी लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास LED लाइट्स का कॉम्बिनेशन आता है. LED लाइट्स आपको क्रिस्टल लाइट्स के कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, इंडिकेशन भी LED में है. ये नीचे आपको DRLs इसके नज़र आ रहे होंगे जो कि LED में वाइट कलर की लाइट में ग्लो करते हैं. उसके अलावा ग्रिल के ऊपर हमारे पास ये क्रोम की ट्रिमिंग मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं. होंडा के बैज के बिल्कुल नीचे आपको फ्रंट व्यू कैमरा मिल जाएगा. AWY940 इस्लामाबाद का नंबर है इस गाड़ी को लगा हुआ. और इसके साथ साथ फ्रंट पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी भी प्री इंस्टॉल्ड है और साथ ही साथ क्रोम ट्रिमिंग की फैसिलिटी भी फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी. उसके अलावा साइड पर दोनों फेंडर्स के ऊपर हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स मौजूद हैं. इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ साइड मिरर्स के ऊपर भी आपको LED के अंदर टर्न इंडिकेटर्स नज़र आ रहे होंगे. और इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ऑब्वियसली ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं और ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं. अगर हम थोड़ा सा नीचे इसके रिम्स की तरफ आ जाएं तो ब्लैक कलर की गाड़ी के साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा वाइड व्यू दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की गाड़ी के साथ ये डार्क ग्रे कलर के जो रिम्स हैं ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. और आप इसके रिम्स की कंडीशन भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर हैं. और अगर हम इसकी ब्रेक्स की बात करें तो हमारे पास फ्रंट साइड पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स के साथ साथ ABS वगैरह की फैसिलिटी इस गाड़ी के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है. इसके साथ साथ ये आपको मैं क्लोज करके इसके रिम्स की कंडीशन दिखा देता हूँ. टायर्स की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है. ऑब्वियसली गाड़ी जो है टोटल 26,000-27,000 किलोमीटर से ही चली हुई है, तो टायर्स आप इसके देख सकते हैं 215/55 का टायर है और 16 इंचेस के ये रिम्स हैं. सस्पेंशन की बात करते चलें तो फ्रंट साइड पर हमारे पास MacPherson स्टड सस्पेंशन आ जाते हैं. इसी तरह इसके डोर्स वगैरह आप देख सकते हैं, डोर लैचेस के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको आप देखिए ब्लैक कलर में आ जाते हैं. यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर की फैसिलिटी है फ्रंट साइड पर दोनों डोर्स के लिए.
उसके अलावा रियर साइड पर आए तो यहाँ पर है जी हमारे पास फ्यूलेट ओपनर, और इसके साथ साथ बैक साइड पर भी हमारे पास सॉलिड डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी आ जाती है, और रियर साइड पर आपको इसमें मल्टी लिंक सस्पेंशन की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा आप इसके रियर रिम्स की भी कंडीशन देख सकते हैं, साथ ही साथ आप इसके टायर्स की भी कंडीशन देख सकते हैं। अगर हम गाड़ी की रियर लुक की बात करें तो ये देखिए जी बैक साइड से आप इसकी कंडीशन ज़रा, जैसा कि गाड़ी फ्रंट साइड से बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है, उसी तरह से ये गाड़ी रियर साइड से भी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। लाइट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हेलोजन और LEDs का कॉम्बिनेशन है कि आप कंडीशन लाइट्स की देख सकते हैं, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह की ही है। यहाँ पर आपको होंडा का बैज मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पर सिविक की ब्रांडिंग है, राइट साइड पर ये वाली ब्रांडिंग है। उसके अलावा रियर बम्पर की अगर हम बात करते चलें, ब्लैक में तो है, बॉडी कलर्ड में रियर बम्पर है, लेकिन इसके साथ साथ क्रोम की ट्रिमिंग है और रिफ्लेक्टर्स की फैसिलिटी आपको बैक साइड पर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर हाई माउंटेड लाइट आपको दी जाती है, शार्क फिन एंटीना हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसके बूट को ओपन करें तो मैं आपको इसकी भी कंडीशन दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप नोटिस करेंगे ये पूरा का पूरा कारपेटेड है, इसी तरह इसकी जो अंदर वाला पोर्शन है ये भी कम्प्लीट कारपेटिंग इसके ऊपर हुई हुई है। और एक मिनट इसको हम उठाते हैं और ये देखिए जो इसके टायर वाला जो ये पोर्शन है इसकी भी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, यानी कि ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर आप इसको कह सकते हैं। ये आप हिंजेस वगैरह इसके देखिए, इसी तरह ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको आप देख लीजिए। तो गाड़ी अपना आप खुद जाहिर कर रही है कि कंडीशन इसकी कैसी है। सो ये था इस गाड़ी का फुल एक्सटीरियर, कम्प्लीट एक्सटीरियर A to Z हमने इस गाड़ी का एक्सप्लोर कर लिया। अब अंदर आते हैं गाड़ी के, और उससे पहले मैं आपको इसके ज़रा डोर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर टू टोन कॉम्बिनेशन है, बेसिकली तीन कलर्स हैं, सिल्वर भी आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे हमारे पास स्किन कलर का कॉम्बिनेशन है जो कि लेदर में है। उसके अलावा ये सारे के सारे इसके कंट्रोल्स हैं विंडोज़ के, साइड मिरर्स के, और इसी तरह सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास एक बटन है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक तरीके से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। सो आइए जी गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। माइलेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये गाड़ी चली हुई है 25,832 किलोमीटर्स, और ये रेड वाला मीटर है जो कि न्यू वाला मीटर होंडा सिविक में आता था वो वाला है, कि आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ ज़रा क्लोज करके, ताकि आपको वेयर एंड टेयर का भी अंदाज़ा हो जाए। और फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर मल्टी मीडिया कंट्रोल्स हैं, एयर बैग है, उसके साथ साथ ये थ्री टोन है, ग्रे, ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट मटेरियल है, एडजस्टेबल है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ जाता है गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप स्विच, थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन आपको मिल जाता है, और थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये इसका फुट रिलीज यहाँ पर आपको मिल जाता है, और पैडल्स वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक अदद एयर वेंट है। गाड़ी का इंटीरियर है तो बहुत खूबसूरत, और कंडीशन भी इसकी आप देख सकते हैं सुपर नीट एंड क्लीन है, जैसा कि आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी के अंदर मिलती है। सो ये देखिए जी, ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो 6.5 मिलियन इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन इतनी कोई शानदार है, और आप देख सकते हैं हर एक पैनल, हर एक चीज़ इसकी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। इंटीरियर में ख़ास तौर पर आपको कहीं पर भी वेयर एंड टेयर के निशानात नज़र नहीं आएंगे। ये एंड्रॉयड पैनल इसमें इंस्टॉल्ड है, इंटीरियर कैमरा के साथ डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसकी भी आप कंडीशन वगैरह देख सकते हैं यहाँ से। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आ जाती है ब्रेक होल्ड के फीचर के साथ। इकॉन का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और पीछे हमारे पास एक अदद आर्म रेस्ट है, और इसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, और ये यहाँ से ऊपर होती है इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, ताकि आपको वाज़े तरीके से एक एक चीज़ की कंडीशन का पता चल जाए। यहाँ से हमारे पास सनरूफ की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। और अच्छा, सीट्स की तरफ अगर आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर ये स्टॉक सीट्स हैं, लेदर सीट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, जो कि टू टोन कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं, और कहीं किसी जगह पर आपको सिंगल सलवेट या कोई स्क्रैच या कोई कट या कहीं से कलर फेड हुआ हुआ सीट्स के ऊपर नज़र नहीं आएगा। चाहे आप इसकी फ्रंट सीट्स देख लीजिए या आप इसकी रियर सीट्स देख लीजिए, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गाड़ी वाली कंडीशन है इसके इंटीरियर की। ये देखिए जी,
फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पर प्रॉपर इसकी कारपेटिंग या मैटिंग हुई हुई है। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एसी वेंट्स की फैसिलिटी आ जाती है। और ये कुछ इस तरह से इसका कंप्लीट इंटीरियर आपको नज़र आएगा, ये देखिए जी। अच्छा, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, अब ज़रा हम आते हैं इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ और मैं आपको इंजन बे की भी लुक दिखा देता हूँ और फिर हम करते हैं वीडियो को क्लोज। ओके जी, तो वैसे कलर ब्लैक इस गाड़ी के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है और ख़ासतौर पर ब्लैक कलर के साथ ये जो डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन में रिम्स हैं इनकी लुक बहुत ही शानदार बन रही है। और आइए जी इस गाड़ी के इंजन पर नज़र डालते हैं और मैं आपको इसका इंजन बे भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये आप देखिए इसका इंजन बे बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है और एक बिल्कुल साउंडलेस किस्म का इंजन है। ऑब्वियसली होगा भी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 25-26 हज़ार गाड़ी चली रही है। बाकी यहाँ पर साउंड डैम्पिंग शीट्स मौजूद हैं इसकी हुड के ऊपर और क्लोज कर लेते हैं। तो ये थी आज की गाड़ी होंडा सिविक 2021 मॉडल यूजी वेरिएंट। अगर इसे खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर आपको सैगल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं।